हाय दोस्तों, तो आशा का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू, और आज का जो वीडियो है, जो लोग ऊबर में ज्वाइन किए हैं और करने वाले हैं, तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ऊबर जहाँ पे आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप गो के नीचे हल्का सा स्लाइड करेंगे तो लिखा जाता है ऊबर कॉन्टैक्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसे लगने के बाद जो है आपका इच्छा माने ऊबर में ज्वाइन होने का प्रॉब्लम जो है और लगने की चांस जो है शायद 90% हो जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। 90% मान लो आप नहीं होगी, और अगर आप फील्ड में काम करें तो आप चाहते हैं कि ओला भी ज्वाइनिंग कर लें, रैपडो भी ज्वाइनिंग कर लें, रैपडो जो बाइक का है, बाइक में चल रही है। तो ये क्यों आती है आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जो भी हो। तो ऊबर में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ऊबर का क्या है कि डॉक्यूमेंट आप जो भी देते हैं ना, आपकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती है। थोड़ा बहुत ना, अगर हम जैसे हम काम करते थे, लोगों को लगाते थे, कम से कम कुछ ने अगर हम 10 बंदों को लगाए हैं ना, तो उसमें से 6 बंदा का या 7 बंदे का क्या होता था कि आईडी चालू हो गया, बाकी 3 या 4 बंदे का आईडी नहीं चालू होता था। उसका रीज़न क्या था? बहुत सारे रीजन है ऊबर में लगने के बाद। ये जो ऊबर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था हेल्प, इसका बहुत सारे रीज़न है। रीज़न अगर मैं बताऊँ तो आपका जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट DL अप्रूव होती है, तो DL अप्रूव होने के बाद क्या होता है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसमें शायद आपका 290 रुपये कटता है, माइनस होता है। जब आप काम करेंगे तो आपका 290 रुपये कट जाएगा, वो पुलिस वेरिफिकेशन का कटता है। तो उसमें अगर आपके ऊपर कोई केस है या आपके परिवार के ऊपर कोई केस है, कितने का तो ऐसे हुआ कि अगर आपके नाम पे या आपके अगल बगल के बंदे का नाम, जैसे आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम मुन्ना हुआ, अब मेरे अगल बगल में कोई बंदा का नाम है मुन्ना, अगर उसके ऊपर भी केस है ना, तो आपका आईडी चालू नहीं होगा, ऊबर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप ऑफिस में जाएंगे, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से जो है आप लिखवा के लाइए, तब आपका होगा। ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऊबर का। दूसरी बात, कितना लोगों का क्या होता है कि ऊबर में जैसे हम बाइक में या ऑटो में ज्वाइनिंग थे, भैया अब हम ऑटो में ज्वाइनिंग हो गए हैं, अब मुझे जो है बाइक में जाना है, लेकिन जिस बंदे से भी आप अटैच करवाते हैं तो आप उन्हें जो है पूरा डिटेल नहीं बताते हैं, क्योंकि ऊबर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी रूल है, नियम है ऊबर का, कि अगर आप ऊबर के से जुड़ गए, अगर आप ऊबर से जुड़ गए हैं एक बार, तो आप दोबारा नहीं जुड़िएगा। आपका क्या होगा कि उसी में, जैसे ऊबर मोटो में है तो ऊबर बाइक में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो लोग ऊबर ईट में काम कर रहे थे, तो ऊबर ईट जो है वो ख़त्म हो गया था। क्या होता है कि ऊबर ईट में जो भी काम कर रहे थे उनको डायरेक्ट जो है फिर से ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग किया जा रहा है। तो ये ऊबर ईट की बात है, लेकिन अगर आप ऊबर मोटो में हैं या ऊबर ऑटो में थे, या ऊबर मोटो में आप एक बार आईडी बनवा चुके थे किसी से और आप किसी और बंदे के पास गए और फिर से आईडी बनवा लिए, तो फिर से आपका न्यू आईडी पासवर्ड डल गया, तो क्या हुआ कि आपका डुप्लीकेट अकाउंट हो गया। और जो डुप्लीकेट अकाउंट होता है, आपको 90% चांस होता है ओपन नहीं होगा, 90%। और इसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, उसमें आपको 48 घंटे का वो टाइम देंगे, 48 घंटे के बाद शायद आपका ओपन हो ना हो, लेकिन 48 घंटे का वो टाइम देते हैं। तो आप जब भी किसी से ज्वाइनिंग करें, तो ज्वाइनिंग में क्या ध्यान रखें कि अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप उन्हें डायरेक्ट बोल दें कि पहले मेरा ऊबर में आईडी बना हुआ था, भैया आप जो है मुझे इसमें या ये प्रॉब्लम है या आईडी पासवर्ड में भूल गया हूँ, तो ये आप उन्हें पहले बता दीजिए। ये ऊबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जाते हैं बोल देते हैं कि एक आईडी बना हुआ है, क्योंकि आपका DL अगर एक बार चला गया वहाँ पे, तो वो समझ लीजिए आपके लिए जब तक आप जिंदा हैं तब तक वहाँ पर वो शिफ्ट है। मतलब आप कभी भी आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर, आप जैसे ही आगे डॉक्यूमेंट भेजेंगे आपको पता चल जाएगा कि दोबारा ये आईडी बन रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है किसी से ज्वाइनिंग करवाइए तो आप उन्हें सारा चीज़ बता दीजिए, ठीक है। आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उन्हें बता दीजिए, हाँ भैया मैं आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ, ये कारण से ये प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। और अगर ऊबर के नीचे ऊबर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया, तो आप डायरेक्ट ऑफिस जाइए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप
नहीं जाइए, क्योंकि ऊबर अगर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ ऑप्शन आ गया तो आपका आईडी जो है ये चालू नहीं होगा। मैं 90% चांस है, क्योंकि हम सब जब काम करते थे 90% ऐसा केस था जो मतलब 10% जो है लोग चालू हो के आ गया, लेकिन 90% जो है नहीं चालू हुआ, ऐसा प्रक्रिया है। तो आप ऊबर अगर कनेक्ट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ नीचे आ गया तो आप प्लीज़ ऑफिस ना जाएं, किसी को कॉल ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि चला चालू हो जाएगा, ऐसी कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई ऊबर के साथ धोखाधड़ी नहीं किया है। एक चीज़ और, अगर ऊबर के साथ आप धोखाधड़ी भी किया है ना, तो आईडी अगर एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, वो फिर चालू नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, आप अगर ऊबर में ज्वाइनिंग भी करना चाहें ना, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो अगर ऊबर नीचे आपके गो के नीचे अगर ऊबर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया तो आपका चांस बिल्कुल कम हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।